मॉर्निंग क्लास 10 चैप्टर 1 में हम आज 7 पॉइंट पर विचार करेंगे। नंबर नेम पहला है, नंबर नेम मीन्स होता है संख्या नाम। दूसरा पॉइंट है मुद्रा, मुद्रा मीन्स होता है संख्या। तीसरा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम। चौथा पॉइंट में है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम। पांचवा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मीन्स होता है स्थानीय मान। सिक्स पॉइंट है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकित मान। सातवां पॉइंट है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है विस्तृत रूप। इसी सातों पॉइंट पर हम विचार करेंगे। पहला पॉइंट नंबर नेम, नंबर नेम में यहाँ दिया हुआ 5060, इसको हम कितना पढ़ेंगे? यहाँ पर थाउजेंड के जगह पर है 5, तो बोलेंगे 5000। 100 के जगह पर 0 है, उस प्लेस को नहीं बोलना है। टेंथ प्लेस पर 6 है और 1 प्लेस पर 0 है, तो उसको बोलेंगे 60, 5060। इसके बाद मान लीजिए 4 है, 2 है, 5 है, 7 है, इसको हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1000 के जगह पर है 4, इसको पढ़ेंगे 4000। 100 के जगह पर है 2, बोलेंगे 200। 10 के जगह पर है 5 और 1 के जगह पर है 7, 1 एंड 10 मिल करके हो गया 57, 4257। ये है नंबर नेम, इस ढंग से हम नंबर नेम को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है न्यूमरल, नंबर नेम में दिया रहता है और न्यूमरल में अंक में कैसे लिखा जाता है वो देखिए। वैसे लिखा हुआ है 1502, यहाँ पर 1000 के जगह पर है 1, तो हम लिखेंगे 1000 के जगह पर। चौथा प्लेस होता है 1000 का, 100 का तीसरा प्लेस होता है, तो 100 प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, तो 100 प्लेस पर हम 5 दिए। टेंथ प्लेस का जगह खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो प्लेस कुछ नहीं लिखा रहेगा उस प्लेस पर हम 0 देंगे। यहाँ पर 1 प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, तो 1 प्लेस पर 2 दे दिए। ये हो गया 1502, ढंग से हम लिखेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करते हैं और बड़ी संख्या की ओर बढ़ते जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, छोटी संख्या मान लीजिए 1 है, 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इस ढंग से असेंडिंग ऑर्डर में 1 बढ़ा बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं, उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जैसे यहाँ 4090 है, इसमें हम 1 जोड़ दिए तो हो गया 4091, फिर 1 जोड़े तो 4091 में हम 1 जोड़े तो 4092, 4092 में हम 1 जोड़ दिए तो 4093, थोड़ा हम 1 जोड़े तो हो गया 4094। इसी ढंग से आगे 1 जोड़ जोड़ करके हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और इस ढंग से बढ़ना ही असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम। घटते क्रम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे 10 है, 10 से पीछे 1 तक एक घटते जाएगा, 10 में से 1 घट गया तो 9, 9 में से 1 घटा 8, 8 में से 1 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6, 6 में से 1 घटा 5, 5 में से 1 घटा 4, 4 में से 1 घटा 3, 3 में से 1 घटा तो 2। डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ हुआ एक घटते जाता है, बड़ा से छोटा।
होता कि वो घटते जाता है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 6001 है, 6001 में से वन प्लेस में से वन घट गया तो हो गया 6000, पुनः 6000 में से हम वन घटाएंगे तो हो जाएगा 5999, पुनः हम वन घटाएंगे तो हो गया 5998, पुनः मन घटेगा तो हो जाएगा 5997। कहने का अर्थ है जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो एक घटाते जाएंगे, जब ये एक घटते जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और सीरीज को इस ढंग से पूरा करते जाएंगे। अगला पॉइंट आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में जो होता है स्थानीय मान, कौन सा अंक किस प्लेस पर है, उसका वैल्यू कितना हुआ, यह इस चीज में जाना जाता है। जैसे यहाँ पर अंक लिखा हुआ है 9246, इसमें कहेगा कि प्रत्येक अंक का अलग अलग स्थानीय मान कितना है, प्लेस वैल्यू कितना है एंड फेस वैल्यू कितना है, अंकित मान कितना है। स्थानीय मान और अंकित मान दोनों लिखा जाता है। यहाँ वंस प्लेस पर 6 है तो 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही हुआ। यहाँ थाउजेंड प्लेस पर 4 है तो 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 14 और फेस वैल्यू 4 ही होगा। 100 प्लेस पर 2 है, 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 200। थाउजेंड प्लेस पर 9 है तो 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 9000 और फेस वैल्यू जिस अंक का घिरा हुआ या अंकित रहता है तो इसका प्लेस फेस वैल्यू निकालिए, उस अंक का फेस वैल्यू वही अंक होता है। जैसे 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। और प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम प्रत्येक अंक को देखते हैं कि वह किस प्लेस पर है। वंस के प्लेस पर है तो 6 है, वंस के प्लेस पर 6, टेंस के प्लेस पर 4 है तो हम कहेंगे ये 4 टेंस है, 4 टेंस का अर्थ हुआ 40, 100 के जगह पर 2 है तो ये हो गया 200 और इसको लिखेंगे 200, और 1000 के जगह पर 9 है तो इसको हम बोलेंगे 9000। ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सपेंडेड फॉर्म का। एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है विस्तृत रूप। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम यहाँ पर दिया हुआ है 5932, इस अंक को हम विस्तृत रूप में किस ढंग से लिखेंगे, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान को हम लिखते जाएंगे और बीच में जोर का चिन्ह देते जाएंगे। यहाँ पर जैसे थाउजेंड के जगह पर यहाँ पर है 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5000, 100 के जगह पर है 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 900, टेंस के जगह पर है 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 30 एंड वंस के जगह पर है 2 तो 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 2। इसको लिखेंगे 5000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 2, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे यहाँ पर 6000 और 9 है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ 1000 के जगह पर 6 है तो 6 का प्लेस वैल्यू हो गया 6000 प्लस 100 प्लेस पर हम देखेंगे क्या है 0 है, 100 प्लेस पर 0 है तो उसको हम 0 ही लिखेंगे, पुनः 10th प्लेस पर यहाँ 0 है तो 10th प्लेस पर 0 है तो उसको भी हम 0 ही लिखेंगे, प्लस 1st प्लेस पर 9 है, 1st प्लेस पर 9 है तो 9 लिखेंगे। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी संख्या को इसी तरह से हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है 8705, इसको कैसे लिखेंगे, 1000 के जगह पर है यहाँ 8 का वैल्यू हो गया 8000 प्लस 100 के प्लेस पर है 7 का प्लेस वैल्यू हो गया 700 प्लस 10th के जगह पर है 0 तो जिस प्लेस पर 0 रहेगा उस प्लेस को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चूंकि 1 प्लेस पर 0 है तो उसको लिखना उतना आवश्यक नहीं होता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे।
डायरेक्ट करेंगे वंस प्लस फॉर अल्फा तो लिखा जाएगा प्लस फॉर 8000 प्लस 700 प्लस फॉर। इस तरह से एक्सपेक्टेड फॉर्म में किसी भी संख्या को आप लिखते हैं। आगे अगले चैप्टर में अगले दिन हम बातचीत करेंगे।